आपको पता चल गया होगा कि मैं मुल्क से बाहर जा रही हूँ, और दैट इज़ राइट। सो लास्ट एक दफ़ा मैंने आपको दिखाया था, एक वीडियो थी जो होम मेकर हाउस वाइफ इसके बारे में थी, बट आई एम ऑल्सो गोइंग आउट ऑफ द कंट्री एज अ हाउस वाइफ टू गेट समथिंग डन। सो बींग ए गुड हाउस मेकर इज़ नॉट ओनली एट होम, इट कैन ऑल्सो बी एट आउटसाइड। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अपनी लाइफ जो है ना इंजॉय करनी चाहिए है, और ऑफ कोर्स बच्चे हस्बैंड जो है ना मेरे बगैर भी अपना ख्याल रख सकते हैं, आई एम श्योर। तो इस दफ़ा जो है ना मैंने अपने लिए ट्रीट देने के लिए मैंने कहा है कि इस दफ़ा जो है ना मैं मुल्क से बाहर जा रही हूँ, और वो भी अकेले। तो अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि मैं मुल्क से बाहर जा रही हूँ, और मैंने वीडियो बनाई है, सामान भी मेरा चेक इन हो गया है, और इस वक्त जो है ना रात के 1 बजे हैं, और मैं जो है ना कॉफ़ी पी रही हूँ। मैंने कहा ज़रा YouTube फैमिली को भी अपडेट करते हैं। बात ये है असल में कि हम औरतों का भी दिल करता है कहीं आना जाना, ज़्यादा तो औरतों का ही दिल करता है, मर्दों का तो कम ही दिल करता है आई थिंक, ये ऐसी बात नहीं है। तैयब का बहुत दिल करता है आना जाना, इवन मोर देन मी एक्चुअली, बट लेट्स सी, आप मेरे साथ चलें। अभी जो है ना मैं फ़्लाइट के ऊपर जा रही हूँ थोड़ी सी देर में, और मैं भी आपको अपडेट करती जाऊँगी कि क्या होएगा और क्या नहीं होएगा। और अभी मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बट अभी आपको सून पता चल जाएगा। प्लीज़ फॉलो अलॉन्ग, एंड इफ यू वांट टू सी मोर देन सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, एंड लेट्स गो, लेट्स फ्लाई आउट फ्रॉम दुबई। हाय गाइस, सो मेरी फर्स्ट फ्लाइट हो चुकी है, एंड आई जस्ट लैंडेड। माय फर्स्ट फ्लाइट वाज लाइक 3 hours and 15 minutes। सो राइट नाउ आई एम इन तुर्की इस्तांबुल, एंड माय नेक्स्ट फ्लाइट इज वेरी वेरी नियर बाय, सो इन टाइम, सो दैट्स व्हाई स्पेशली एयरपोर्ट का बंदा आया हुआ है जो हमें लेने आया हुआ है यहाँ, और काफ़ी लोग हैं हम जो आगे जा रहे हैं। लेट्स गो, 10 मिनट में हमारी नेक्स्ट फ्लाइट जो है ना आगे जाने वाली है। अच्छा, वो वाला जो F5 वाला जो जहाज़ है वो पाकिस्तान जा रहा है। यस, बाय बाय पाकिस्तानियों। सो वी आर बोर्डिंग नाउ, एंड इस्तांबुल एयरपोर्ट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल एयरपोर्ट, इट्स वेरी बिग। देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ टाइम बिटवीन माय फ्लाइट, सो वी वर जस्ट इन हरी, एंड as you can see maybe you can watch out the destination, but it's not hard to guess where I'm going. Of course I'm going to my home country, and my home country is Denmark, and I know I have just been there, but I just need to do some things and meet a couple of people. That will be a surprise for you guys who I will meet, because you know that family. So yes, let's board and let's go to the next flight, which is around 3 hours. I am just landed in Copenhagen Airport, and I was looking forward to land here. This time I'm alone, so the feeling is different, and also because I have just been here, so yeah. So right now I am waiting for my mom to receive me, or I am receiving her actually. So let's see, and then we have to hire a car. ये मैं चल रही हूँ अपने दिल पसंद स्टोर में, जिसके अंदर दुनिया जहाँ की चीज़ मिलती है डेनमार्क, परफ्यूम से लेके कपड़े और खाना। ये देखें आप, ट्रेडिशनल हम खाना खाने वाले हैं लंच के लिए, और उसके बाद हम वॉक अराउंड कर रहे हैं अपने वॉकिंग स्ट्रीट पे। मौसम बहुत ज़बरदस्त है, धूप है, और धूप की निशानी कभी थोड़ी थोड़ी मिलती है डेनमार्क में, क्योंकि काफ़ी नॉर्थ है, और जैसे आप देख सकते हैं पतली जैकेटें पहनी नहीं है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद ट्रेडिशनल हम डिज़र्ट्स खा रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। जी जनाब, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पास आपके लिए
एक बिग सरप्राइज है और वो है, ये देखो ये कौन आ रहा है, श्रुति फ्रॉम यूएस। व्हाट आर यू डूइंग हियर? आई केम हियर टू मीट यू। ओह या नाइस, थैंक यू। एंड आई आल्सो केम हियर टू मीट यू। हाय सत्या, हाउ आर यू? ओके, चलो ये देखें ये कैसा सरप्राइज है। और अभी हमने एक दिन स्पेंड किया साथ में और हम कोपेनहेगन में यहाँ घूम रहे हैं। एंड नाउ वी आर वेरी हंग्री, सो ऑफ कोर्स दे हैव टू ईट द बेस्ट शवारमा इन द वर्ल्ड, सो लेट्स गो देयर। हम अपनी पुरानी पुरानी बातें कर रहे हैं वॉकिंग स्ट्रीट पे और इन्जॉय कर रहे हैं। उसके बाद भूख भी लगती है तो हम भूख के लिए हमने कहा शवारमा जाके खाते हैं। ऑफ कोर्स श्रुति की फैमिली या श्रुति ने शवारमा नहीं ट्राई किया हुआ तो मैंने उनको ट्राई करवाया। नेक्स्ट डे मैं गई ब्रेकफास्ट करने के लिए अपनी फ्रेंड के साथ। एंड दिस इज़ द ट्रेडिशनल डेनिश ब्रेकफास्ट जहाँ आपको बन मिलता है और बटर के साथ लगा के चीज़ भी आप खा सकते हैं। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने बॉटल्स वापस करनी थी जिसके वापस पैसे मिलते हैं और मैंने कहा मुझे करने दो और मेरी मूवी बनाओ, मैं आपको भी दिखाऊं कि कितनी इन्वायरमेंट का सोचा जाता है हमारे डेनमार्क में। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने अपनी नई गाड़ी जाके कलेक्ट करनी थी। अस्सलामुअलैकुम, सो दिस इज माय लास्ट डे हियर इन डेनमार्क एंड टुडेज न्यूज़ इज दैट माय फ्रेंड माय सिस्टर शी गॉट हर न्यू कार एंड हम अभी बाहर आए हैं उसको देखने के लिए, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखो कितनी ज़बरदस्त कार है, वाइट कलर की बाहर से और क्रीम कलर की अंदर से। वाओ जबरदस्त, नाइस, मुबारका ही मुबारका। जैसे आप देख सकते हैं दिस इज एट BMW X1 कार व्हिच इज इन वाइट कलर एंड क्रीम बेज इनसाइड। इट वाज रियली अ लवली कार, फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, अंदर से काफ़ी खूबसूरत है और मैंने चलाई भी थी, बहुत ज़बरदस्त चल रही थी। सिर्फ हम लाइसेंस प्लेट के इंतज़ार कर रहे थे, जब वो आए तो हम जा सकते हैं। लाइसेंस प्लेट के बगैर आप लोग नहीं चला सकते गाड़ी। देखिए क्या खूबसूरती है कोपेनहेगन की, ग्रीन ग्रीनरी है, दरख्त और सूरज निकला हुआ है और ये बहुत कम कम देखा जाता है डेनमार्क। तो आज मेरी तैयारी है और अभी मैंने अपनी कार जो मैंने रेंट पे ली हुई थी वो मैंने वापस करनी है और उसके बाद थोड़ा मैंने आराम वगैरह करना है और फिर उसके बाद चलता डेनमार्क से। तो मैं आपको साथ लेके चलूँगी अपने लास्ट डे पे, तो आप देखना कि आज के क्या क्या प्लान है। शाम को थोड़ा सा आराम करके हम निकले बाहर खाना खाने के लिए और जैसे देख सकती हैं उसका छोटा सा बेबी भी है, क्यूटी बॉय। और अभी तो ब्रेड सर्व हुई है विद बटर और उसके बाद खाना सर्व होएगा। वाह व्हाट अ पेपर स्टेक जो मुझे मिला था, उसके ऊपर पेपर सॉस, बेनिस सॉस साइड पे और सम बीन्स एंड ऑफ कोर्स द बुराता सैलड मुझे जो है ना सबसे ज़्यादा पसंद है। मैक एंड चीज़ भी ऑफ कोर्स एक मस्ट होता है एक स्टेक रेस्टोरेंट पे। मेरी फ्रेंड ने मंगवाया खेम्पोले जिसके ऊपर चीनी कोटेड होती है, नीचे कस्टर्ड की तरह होता है। फिर हम एयरपोर्ट की तरफ गए और मुझे जो है ना पूरी बारात छोड़ने आई हुई थी इंक्लूसिव छोटू मियाँ। सामान मैंने बुक करके उसके बाद हमने कहा कि चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, अभी भी 4-5 घंटे थे मेरी फ़्लाइट में, तो सामान हमने बुक करवा दिया और हम आइसक्रीम खाने चले गए। ये देखें क्या क्या डिलीशियस केक्स हैं, आइसक्रीम केक्स और आइसक्रीम भी। और मैंने ली थी रेसबेरी की आइसक्रीम टॉप्ड विद सॉफ्ट आइस, डिलीशियस। फिर मैं एयरपोर्ट पे आ गई और मैंने बोर्डिंग कर ली और उसके बाद फिर मैं वापस दुबई चली गई। जैसे मैंने आपको कहा था कि आई एम श्योर कि तैयब और बच्चे सही अपने आप को रखेंगे और आई कैन इंश्योर यू कि सब कुछ सही था, घर भी बिल्कुल सही था, बच्चे भी ठीक थे। सो गो आउट फॉर एंजॉय ओनली फॉर 1 वीक, दैट इज़ इनफ ऑल द मदर्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।